अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो किया था हमने आर्ट में, अगर आप प्लस टू आर्ट से कर लेते हो तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, कॉमर्स से कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, नॉन मेडिकल से करते हो तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल से अगर आप प्लस टू करते हो तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, ठीक है? तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेडिकल के बारे में। अगर आप प्लस टू मेडिकल से कर लेते हो तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस आ जाते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेडिकल का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं नीट का टेस्ट, ठीक है? नीट के टेस्ट के बाद आप सबसे बड़ा जो इसमें मेडिकल में जो कोर्स है उसको बोलते हैं MBBS। MBBS के बाद होता है BDS, BDS के बाद होता है BMS, BMS के बाद होता है BHMS, ठीक है? ये कोर्स तो आप कर ही सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जितने भी कोर्स मैंने आपको बताई है सारे के सारे कोर्सों का जो ड्यूरेशंस है वो 5.5 साल का होता है। 5.5 कैसे, 4.5 साल तो स्टडी होती है सारे के सारे कोर्सों में, MBBS में, BDS में, BHMS में और BMS में, इनमें 4.5 साल तो पढ़ाई होती है और 1 साल इनका प्रैक्टिस का होता है, इसलिए इसका ड्यूरेशन 5.5 साल काउंट होता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे मेडिकल के कोर्सेज के बारे में। अगर आपने मेडिकल से प्लस टू करी है तो आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, जो मेन कोर्स है जिसको लोग जाना जाता है मेडिकल, MBBS, ठीक है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS का फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का नाम से। उसके अलावा हम BMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है? इसके अलावा हम BDS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, ठीक है? इसके अलावा फिर हम BHMS भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर BVSC एंड AH, ये एक कोर्स है डिप्लोमा इन, जो BSc वेटनरी साइंस जिसको बोलते हैं ना वो होता है, डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री है, ये कोर्स भी कर सकते हैं। BSc MLT, MLT होता है लैब टेक्नीशियन का कोर्स। अगर आप, एक तो डिप्लोमा DMLT होती है, एक होती है BSc MLT, आप वो भी कर सकते हैं BSc MLT। उसके बाद हम BPT कर सकते हैं, BPT क्या होता है, फिजियोथेरेपी, जो थेरेपिस्ट बनते हैं ना वो BPT वाले, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, अगर प्लस टू मेडिकल से हैं तो हम BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, BSc नर्सिंग के बाद BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर। हम बी फार्मा भी कर सकते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था ना दवाइयों की दुकान अगर खोलनी हो तो डी फार्मा का लाइसेंस होना ज़रूरी है। BSc कर सकते हैं, BSc ऑनर्स से भी कर सकते हैं, है? अच्छा, इसके अलावा BSW वाला कोर्स भी हम कर सकते हैं, बैचलर सोशल वर्कर। VLDD भी कर सकते हैं, GNM कर सकते हैं, ANM कर सकते हैं, BSc, इसको हम BSc प्लस BEd जिसको बोलते हैं BLED, वो भी कर सकते हैं, JVT भी कर सकते हैं, DMLT कर सकते हैं, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का। अच्छा, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पहले तक हरियाणा सरकार जिन बच्चों ने प्लस टू नॉन मेडिकल से कर रखी थी उन्हीं का एडमिशन सेकेंड ईयर में होता था। पिछला सेशन 2021 में जो गया है, अगर किसी बच्चे ने मेडिकल से भी प्लस टू कर रखी है वो भी पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा 2 साल का कर सकता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद BAGMC कर सकते हैं, BAGMC। अच्छा, उसके अलावा BTTM, बैचलर टूर एंड ट्रेवल्स वाला। अच्छा, BCA कर सकते हैं, BFA कर सकते हैं, बी डिज़ाइन कर सकते हैं, BEM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट का, BHM कर सकते हैं और BBA कर सकते हैं और BA भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मतलब जितने कोर्स आर्ट वाला बच्चा कर सकता है ना, अगर BSc मेडिकल से कर रखी है तो BSc मेडिकल का स्टूडेंट, आर्ट वाला बच्चा जहाँ जहाँ जा सकता है ये बच्चा वहाँ जा सकता है। जैसे देसी हिसाब में मैंने आपको बताता हूँ, मैंने कह दिया कि केवल इस गेट से है ना एंट्री करेंगे वही बच्चे जिन्होंने है ना BSc मेडिकल से कर रखी है। तो जिन्हें BSc मेडिकल के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी ना BSc मेडिकल, तो वहाँ केवल BSc मेडिकल वाले आएंगे। अगर मैंने कह दिया कि जी BA वाले बच्चे आ जाओ, जहाँ BA वाला बच्चा आएगा ना वहाँ BSc मेडिकल वाला आ सकता है। सारे कैरियर ऑप्शन BA वाले बच्चे के पास जो है ना वो सारे कैरियर ऑप्शन BSc मेडिकल वाले के पास भी होंगे, ठीक है? अगर किसी को BSc मेडिकल के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 93-54-128-928, और आप मेरे को कॉल और व्हाट्सएप सुबह 7 से 9 के बीच में और शाम को 7 से 9 के बीच में करें। धन्यवाद।